हाउ टू लुक एट्रैक्टिव। भाई साहब, आज के दौर में कौन नहीं चाहता कि वो अच्छा दिखे। तो अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको ये चार स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेस को बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। ये आपके गुर्दों को भी वॉश करता है और आपके मैदे को भी साफ रखता है, जिससे कि पिंपल्स होने के चांस आपकी स्किन पे बहुत कम हो जाते हैं। और ज़ाहरी सी बात है, अगर स्किन के ऊपर पिंपल्स नहीं होंगे तो स्किन और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। आप सभी को अपनी डेली रूटीन बनानी चाहिए कि सुबह उठते वक्त खाली पेट 2 गिलास पानी को पीना। इससे यह होगा कि रात भर के जितने भी आपके मैदे के अंदर जहरीले टॉक्सिन्स पैदा हुए होंगे वो सारे फ्लश आउट हो जाएंगे, जिससे कि पिंपल्स होने के चांस आपकी स्किन पे बहुत कम हो जाएंगे। अभी सर्दियां चल रही हैं तो आप अभी तकरीबन 6 से 7 गिलास रोज़ के पानी पिया करें, और अगर गर्मियाँ हों तो 8 से 9 या 9 से 10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए रोज़ का। आप इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो दिखेगी। नंबर 2, ऑलवेज़ ब्रश योर टीथ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक ब्रश नहीं करते, तो यार मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यार 2023 चल रहा है तो प्लीज़ यार अपने दांत साफ कर लिया करो यार, मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है आपके। और अगर आपके मुंह से बदबू आएगी तो यार आप कैसे अट्रैक्टिव दिखोगे मेरी जान। आपको दिन में डेली एक बार ब्रश करना चाहिए। बात याद रखना कि अपने दांतों को बिल्कुल आराम से साफ करें, क्योंकि अगर आप अपने दांतों को आराम से साफ नहीं करेंगे तो आपके दांत खराब होने लग पड़ेंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो हमेशा बिल्कुल आराम से ब्रश करो। नंबर 3, यूज़ फेस वॉश। फेस वॉश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके चेहरे के लिए, क्योंकि जितने भी आपके मुंह पे दिन भर के डर्ट या जितनी भी ये मुँह पर जरासीम होते हैं, ये उनको साफ कर देता है। और हाँ, फेस वॉश हमेशा अच्छी कंपनी के लेना, क्योंकि सस्ते और बुरे फेस वॉश आपकी स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर देंगे। आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना है, एक सुबह उठते वक्त, दूसरा रात को सोते वक्त। आपको सबसे पहले साफ पानी से अपना मुंह धो लेना है, और फिर थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथ में लेना है, इसको अच्छी तरह रब करके अपने मुँह पर आपको इसको स्क्रब करना है। आपको तकरीबन 40 सेकेंड तक स्क्रब करना है, और उसके बाद अपने 40 सेकेंड तक उसको छोड़ देना है। 40 सेकंड के बाद आपको उसे अच्छी तरह साफ पानी से धो लेना है। मुंह को साफ पानी से धोने के बाद इसको नेचुरली सूखने देना है, बस इसको नहीं सुखाना है, इसको नेचुरली सूखने देना है। इस तरह के फेस वॉश आप खरीद सकते हैं जिनकी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 4, ऑलवेज स्टाइल योर हेयर। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर से बाहर निकलते वक्त अपने गालों को स्टाइल नहीं करते। दोस्तों, हमारे बाल हमें अट्रैक्टिव दिखाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, तो आप जब भी अपने घर से बाहर निकलने लगें तो अपने बालों को पहले स्टाइल कर लें, जिससे आपकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। नंबर 5, जॉ लाइन। जॉ लाइन हमारे फेस की एक अट्रैक्टिव चीज़ है। लोगों की जॉ लाइन कुदरती शार्प होती है, लेकिन कुछ लोगों की शार्प जॉ लाइन नहीं होती। जॉ लाइन हमारे फेस के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, जिससे हमारा फेस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। आपको भी जॉ लाइन चाहिए तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको करना ये है कि डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। साथ ही ये जो आप बर्गर पिज़्ज़े खाते हैं यार, इनको प्लीज़ अवॉइड करो, घर का खाना खाया करो प्लीज़। फास्ट फूड से हमारे मुंह का जो मोटापा है वो बढ़ता है, जिससे हमारी जॉ लाइन छिप जाती है, इसलिए आप प्लीज़ घर का खाना खाया करें। म्यूइंग भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जॉ लाइन को शार्प करने में मदद करती है, तो आप म्यूइंग भी कर सकते हैं। म्यूइंग करना बहुत सिंपल है, आप इस प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हैं जो आपकी जॉ लाइन को दिखाने में मदद करती है। आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस स्टेप्स को फॉलो करो, आप देखना आपकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ, मैं वीडियो में कौन सी गलती करता हूँ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ यह भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।